अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। में हूँ आयशा कुरैशी। इमरान खान की सियासी जदोजहद रंग लाने लगी। इंतखाबात करीब आते ही बड़े बड़े सियासी नामों तहरीक इंसाफ के झंडे तले इकट्ठा होना शुरू कर दिया। इन नामों की शमूलियत देखते हुए मुहालफीन में खलबली मच गई। एएनपी के स्वाबी से सीनियर रहनम और साबिक चेयरमैन शेर जंग यूसी शेख जाना ने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर रहनमा एएनपी स्वाबी और साबिक चेयरमैन शेर जंग यूसी शेख जाना अपने साथियों समेत मुस्ताफी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। इसके अलावा इफ्तिखार खान, इश्तियाक, इश्फाक इजाज खान, रहीम खान, सदर एएनपी शेख जाना, तारिक खान भी पीटीए में शामिल हो गए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में शमूलियतों के हवाले से कायम सियासी राबता कमेटी के अहम इजलास चेयरमैन लियाकत अली जतोई की सदारत में जतोई हाउस पर मुनक्कद हुआ। इजलास में सीनियर रहनमा अली हैदर जैदी, सरदार अली अकबर, सैयद कासिम अली शाह, दीवान सचल शरीक इस मौका पर सिंध भर में पार्टी में नए शामिल होने वाले लोगों के हवाले से मशावरत की गई। सिंध में सियासी शख्सियात की शमूलियत के हवाले से कमेटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला सिंध और सियासी राबते कमेटी के चेयरमैन लियाकत अली जतोई ने कहा कि सिंध में हम शख्सियात जल्द तहरीक इंसाफ में शामिल होगी। काफ़ी लोग हमसे राबते में हैं और जल्द देखेंगे कि बहुत सारी शख्सियात इमरान खान की तहरीक का हिस्सा बनेंगे।